हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेजी प्रिया एंड वेलकम बैक टू अनदर शॉपिंग हॉल फ्रॉम मीशो। जैसा कि आप सबको पता है, मीशो पे अभी सेल चल रहा है दिवाली के लिए और नवरात्रि के लिए। अगर आप मीशो के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मीशो नंबर वन ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप घर बैठे सामान मंगा सकते हैं, जहाँ पर हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है। साथ में अगर आप मेरे दिए हुए लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है उसके थ्रू प्रोडक्ट मंगाते हैं तो आपको फर्स्ट ऑर्डर पे 30% का ऑफ मिलता है एंड मैक्सिमम 100। चलिए लेट ना करते हुए मैं जल्दी से शुरू करती हूँ इस वीडियो को, क्योंकि अभी चल रहा है फेस्टिव सीज़न और हम इसमें अपने घर को सजाते हैं, खुद को सजाते हैं, तो आने वाले जितने भी वीडियोज़ होने वाले हैं वो सारे इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ होम डेकोरेशन से रिलेटेड सामान जो कि अभी मैंने अपने किचन मेकओवर के लिए परचेज़ किया है मीशो से। मैंने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सारी जगह पे उन सारे प्रोडक्ट का रेट चेक किया, बट मुझे मिला फाइनली कि इससे ज़्यादा बेहतर रेट कहीं भी नहीं है। सो मैं वहाँ से कुल 8 चीज़ों की आज आपको शॉपिंग हॉल दिखाने वाली हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। आईडी मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। प्रोडक्ट के प्राइस जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मीशो में कोई भी लिंक नहीं होता है प्रोडक्ट का, मीशो में कोड होता है। सो सारे प्रोडक्ट के नाम के आगे उसका कोड अवेलेबल होगा। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रोडक्ट है, अभी मेरे किचन मेकओवर का काम शुरू होने वाला है। जैसा कि आप सब ने देखा होगा, मैंने अपना टेंपल मेकओवर अभी हाल ही में आपके साथ शेयर किया था। सो अभी मैं किचन मेकओवर करने वाली हूँ। उससे रिलेटेड प्रोडक्ट मैं पहले ही ऑर्डर कर चुकी हूँ जिन्हें मैं उसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो कुछ इस तरीके से पैक होके मुझे मिला था ये प्रोडक्ट। बीच में मेरे यहाँ कुछ फंक्शंस हो पड़ गए थे और कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स आ गई थी। मेरे बेटे का बर्थडे था, मेरा बर्थडे था, मैंने अपने बर्थडे का भी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है। बेटे के बर्थडे का ब्लॉग इसलिए नहीं शेयर कर पाई बिकॉज़ बर्थडे के 2-3 दिन बाद मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी और मेरी भी, जैसा कि आपको आवाज़ सुन के लग रहा होगा, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। सो अभी मैं थोड़ी ठीक हुई हूँ तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपना वीडियो शेयर करती हूँ। पहला प्रोडक्ट ये है फ्रेंड्स, ये मैंने मंगाया है, एक आप देख सकते हैं रियान कंपनी का है, इजी ड्राई फ्रूट स्लाइसर। ये है, इस तरीके से ये प्रोडक्ट दिखता है लिटरली। फ्रेंड, अगर मेरे ख्याल से जो भी मेरा वीडियो देख रहा होगा उसमें से अप्रॉक्स 70% लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। इट्स अ रियली वेरी यूज़फुल थिंग फॉर किचन। और मैं सच बताऊं, मैं अपने घर में कोई भी चीज़ जल्दी, जैसे कि कोई हलवा या खीर या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं और ढेर सारे पड़ते हैं, मैं वो प्रेफर नहीं करती थी बिकॉज़ आई एम अ वर्किंग लेडी। मैं वर्किंग लेडी हूँ, मेरा एक छोटा सा किड है, मेरा शेड्यूल बहुत हैक्टिक होता है तो ये सारी चीज़ें करने का मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो मैं झटपट झटपट वाला सारा काम करती हूँ। सो ये प्रोडक्ट मुझे जब मिला मीशो पर तो लिटरली आई वॉज सो हैप्पी। बट इसको फर्स्ट टाइम सेलर ने गलत भेजा था, फिर मैंने रिप्लेसमेंट में डाला तो उसको सेकेंड टाइम उसने सही भेजा। और ये प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ये यहाँ से डिटैच हो जाता है। ये लॉकिंग सिस्टम इसमें है, ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा, ये डिटैच हो जाएगा और ये डिटैच हो जाएगा। मीन्स सारे ही पार्ट्स इसमें डिटैच हो जाते हैं। ये कुछ इस तरीके से इसमें लॉकिंग पैटर्न दिया है, बहुत सिंपल सा ये इंस्ट्रूमेंट है। इसको आपको इस तरीके से इसमें डालना है और इस तरीके से रोटेट कर देना है। अगर हो सका पॉसिबली तो मैं आपको ड्राई फ्रूट स्लाइस करके भी इसमें दिखा दूँगी, साइड में वीडियो डालूँगी इफ़ इट इज़ going to be possible for me। So ये है वो product और यहाँ पर आप ये देख रहे हो ना, ये portion, ये gap, और यहाँ पर इसको इस तरीके से इसमें डालना है कि ये इसमें जाके fix हो जाए। और आपको simply इसमें dry fruit already इसमें डाल देना है इसको lock करने से पहले, वो मैं आपको use करने के time पर दिखा दूँगी। यहाँ पर आपको डालना है अपना dry fruit, इसको कुछ इस तरीके से कर देना है fix। फिक्स करने के बाद आपको इसको बस यू रोटेट करना है बिल्कुल हलवा की तरह, और सारे ड्राई फ्रूट इसमें एकदम बारीक बारीक स्लाइस होके निकलते हैं। इट्स रियली वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट और बहुत ही नॉमिनल इसका प्राइस है, आई थिंक 150 अप्रॉक्स।
तो ये प्राइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, बिकॉज़ प्रोडक्ट मंगाए काफ़ी दिन हो गया है तो मुझे एग्जैक्टली प्राइस नहीं याद है, बट अप्रॉक्स 150 में ये प्रोडक्ट मुझे मिला है। टाइनी सा प्रोडक्ट है और आपके किचन में आपके काम को बहुत ही आसान करने वाला है ये छोटा सा प्रोडक्ट। सो ये मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। यार इतना छोटा सा इन्वेस्टमेंट तो आप कर ही सकते हो, और जितनी भी हाउस वर्किंग लेडीज़ हैं या वर्किंग लेडीज़ हैं कर सकते हैं यार, तो प्लीज़ इसको बाय ज़रूर करना, मेरी सलाह मानकर। तो ये है बहुत प्यारा सा प्रोडक्ट। तो चलिए मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रेंड्स मुझे इस तरीके से कुछ रिसीव हुआ है, इस तरीके से बॉक्स में। मीशो से मेरा एक आध बार एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। मेरे दो आईडी, मैंने दो नंबर से अपनी आईडी बना रखी है, तो एक आईडी पे मुझे प्रॉपर सर्विस नहीं मिली है, तो दूसरी आईडी से मुझे ठीक ठाक सर्विस मिलती है, ठीक ठाक आई मीन अच्छी सर्विस मिल जाती है। इस बार जितने भी प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुए, मैंने उनके कस्टमर केयर पे बात की थी, तो वो सारे ही मुझे सही रिसीव हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको रिसीव किया है, और ये प्रोडक्ट इस तरीके से प्रॉपर पैक होके आया है, डैमेज होने के चांसेस नहीं थे, बिकॉज इसमें था क्या, ग्लास का प्रोडक्ट। अब आप देख लीजिए ये क्या है, दिस वन इज़ स्पाइस सेट। लिखा तो है स्पाइस सेट बट इट्स नॉट अ स्पाइस सेट। मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स। वीडियो प्रोडक्ट ज़्यादा है तो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ से ये मंगाया है ग्लास जार, जो कि बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ही खूबसूरत सा चीज़ है, बहुत ही प्यारा, मतलब मेरा तो दिल आ गया इस प्रोडक्ट पर। अगर आप अपने घर में इस तरीके की किचन में खुद किचन संभालते हैं या कोई हेल्पिंग हैंड है तो देख समझ कर मंगाइएगा क्योंकि थोड़ा तो इसमें रिस्क है, बिकॉज़ ये है ग्लास का, और काफ़ी ग्लास इतना पतला भी नहीं है, अच्छा है, फाइन क्वालिटी का ग्लास है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। और इस प्राइस में इस लेवल का फाइन ग्लास अगर आपको रिसीव हो रहा है, ये किचन एसेंशियल्स करके है, इसका कोई ब्रांड इस पर मेंशन नहीं है। तीन का सेट है, आप सिंगल सिंगल भी इसमें मंगा सकते हैं, शायद दो का भी सेट अवेलेबल है। इस तरीके से इसमें आपको दे रखा है स्पून, जो कि ये देखिए ये ब्रशेस हैं ऑयल स्प्रेड करने के लिए, लाइक आप बहुत लेस ऑयल यूज़ करते हैं अपने खाने में, तो उसके लिए है। यहाँ पे ये एल्यूमिनियम का पैटर्न दे रखा है, ब्लैक यहाँ पे फाइबर है, और इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपको सक्शन रबर भी दे रखा है, आप ध्यान से देखिए, तो ये यहाँ जाके इस तरीके से फिक्स हो जाता है, लाइक ये लूज़ नहीं है, यहाँ पे अच्छे से हैंडल दे रखा है। तो इस तरीके से ये तीन जो इसके अंदर स्पून हैं सिलिकन के, वो चेंज हैं सबके। तो ये सिलिकन का ब्रश है एक में, बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। एंड सेकेंड वन इस तरीके से हनी के लिए, इसमें हनी वाला स्पून दे रखा है, आप देख सकते हैं। दूसरा है ऑयल के लिए, जो फर्स्ट मैंने दिखाया था वो ऑयल के लिए था। एंड द थर्ड वन इज़ विद स्पून लाइक दिस, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें स्पून है, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग घी, तेल एंड शहद रख सकते हैं अपने किचन में। मैंने यही सोच कर मंगाया, बिकॉज़ मैं देसी घी इस्तेमाल करती हूँ अपने बच्चे के खाने में, अपने खाने में। एंड जो रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, कभी कभी रिफाइंड ऑयल इतना सा बच जाता है, उसको स्टोर करने के लिए दूसरा वाला है। एंड थर्ड वन इज़ फॉर द यू नो फॉर हनी। सो ये था मेरा आज का बेस्ट प्रोडक्ट। और प्लीज़ अगर आप कुछ ऐसा प्यारा सा चीज़ अपनी किचन के लिए सोच रहे हैं तो डेफिनेटली इसको बाय करिएगा, ये मेरा पर्सनल आपको सजेशन है। सो चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। इसका प्राइस भी अप्रॉक्स 400 टू 500 के बीच में है, प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको आने वाले वीडियोस इस तरीके के मिलेंगे जो भी शॉपिंग हॉल है। और बहुत सारा शॉपिंग हॉल एंड मेकओवर मैं लेकर आने वाली हूँ, बिकॉज थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज हो जाता है मेरे साथ, इसलिए वीडियोज़ थोड़ा लेट अपलोड होते हैं, बट ठीक है, उसको कंसिडर ना करते हुए प्लीज़ आप कंसिडर करिएगा मेरे वीडियो को एंड लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने कुछ इस तरीके से मंगाया है, इस तरीके के कार्टन में आप देख सकते हो। ओके, मेरा किचन मेकओवर कैसा होने वाला है आपको प्रोडक्ट देखकर समझ में आएगा। हालांकि मेरा किचन जो है मॉड्यूलर है, बट उसमें कुछ सारी चीज़ें जो है मुझे अपग्रेड करनी है, और घर कैसा भी हो अपग्रेडेशन तो चलता ही रहता है।
सो ये मैंने प्रोडक्ट मंगाया है कॉर्नर सेल्फ, ये कुछ इस तरीके से मुझे कॉर्नर सेल्फ रिसीव हुआ है। ये आपको एसएस में भी मिल सकता है, स्टेनलेस स्टील। ये आप ऐसे एल शेप के वॉल पे आप फिक्स करेंगे और इसके लिए आपको नेलिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको नेल नहीं करना पड़ेगा, कहीं पे भी कील नहीं लगानी पड़ेगी, ये इस तरीके से फिक्स हो जाता है। और इस टाइप के मेरे पास दो तीन चीज़ें हैं, जैसे मेरा हेयर ड्रायर हैंग करने के लिए मैंने परचेज़ किया था और भी बाथरूम ऑर्गेनाइज़र मैंने परचेज़ किया था, तो उन सब की वीडियोज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहता है, इसके जो इसमें गम होते हैं ना बहुत ही अच्छे होते हैं, और सिंपली आपको इसमें इसको स्टिक कर देना होता है। तो आप इसे किचन में, घर में, बाथरूम में, अपने किसी भी एरिया को जहाँ पे आपको कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करनी है वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने परचेज़ किया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी, स्टडी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबसे अच्छी बात है ये, मतलब ऐसे आयरन का हल्का सा वायर नहीं है, अच्छा वाला वायर है, आप देख सकते हो कहीं से भी ये दब नहीं रहा है बहुत आसानी से। तो इसका भी प्राइस अप्रॉक्स 300 to 400 होगा, ये मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया है। ओके फ्रेंड्स, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट भी मुझे कुछ इस तरीके से रिसीव हुआ है, अगेन ये ऐसा ही प्रोडक्ट है जो कि मुझे नेल करने की ज़रूरत ना हो, बिकॉज स्टाइल वाइल होने की वजह से नेलिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ये है कुछ इस तरीके से हैंग करने के लिए, लाइक आप अपने किचन में किचन रोल या फिर एल्युमिनियम फॉयल या टॉवल हैंग करने के लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हो, वहाँ पर आपको ये काम आने वाला है। आपको देखना है मैंने इसको किस लिए यूज़ किया है, किस लिए परचेज़ किया, तो जल्दी से कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन नोटिफाई योरसेल्फ बाय माय न्यू वीडियोस। ओके, तो ये है कुछ इस तरीके से, आप इसको ऐसे 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 जैसा भी आपका सरफेस हो वैसे यूज़ कर सकते हो। ये एसएस का है, आप देख सकते हो ये वायर है यहाँ पर, इसमें आपको कोई भी रोल है उसको पहना देना है, और इसके ऊपर अगेन ये देखिए डबल का है, इस पर इसके ऊपर अगेन आपको इसको फिक्स कर देना है। इमेज मैं साइड में डाल दूँगी कैसे यूज़ होता है, इस तरीके से। तो ये मुझे सेट ऑफ टू रिसीव हुआ है, आई थिंक 200 का है, तो सेट ऑफ टू है, आप एक यूज़ कर सकते हो किसी और काम के लिए, दूसरा यूज़ कर सकते हो किसी और काम के लिए। तो ये मेरा है नेक्स्ट परचेज़, मुझे बहुत लिटरली फ्रेंड्स से जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारे प्रोडक्ट मैंने बहुत ही रिसर्च के बाद परचेज़ किए हैं। सो चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा हैवी प्रोडक्ट होने वाला है और मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये इस तरीके से मुझे बॉक्स में रिसीव हुआ है। ओके, और मुझे तो कई सारे प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं, आपको मेरे शॉपिंग हॉल में से कौन सा वाला प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लगा है वो प्लीज़ मुझे बताइएगा। इसको मैंने चेक किया है, मैंने सारे प्रोडक्ट को ओपन करके चेक कर लिया है। तो ये है मेरा आज का प्रोडक्ट ऑफ द डे जो मुझे बहुत प्यारा लगा। लिटरली गाइस, ये ना आप डाइनिंग टेबल पे रख सकते हो, ये कटलरी स्टैंड बना सकते हो, आप इसको वेरियस टाइप्स से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये है वुडन के ऑर्गेनाइज़र्स, इसमें थोड़ा सा क्लीन करने की ज़रूरत है, काफ़ी टाइम से मैं इसे परचेज़ करके रखी हुई हूँ। तो ये है मेरा बेस्ट बाय और ये आप देख सकते हैं वुडन का है। ये बॉक्स इस तरीके के, इसमें तीन बॉक्स दे रखे हैं और ये मेटल का आप देख सकते हो, मेटल का स्टैंड है इसका, ये स्टैंड कुछ इस तरीके से, और ये आजकल बहुत ट्रेंडी है, बहुत ही ट्रेंडी पीस है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पर इसके लेग्स दे रखे हैं, आप इसे किचन में अपने काउंटर टॉप पर भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, अपने डाइनिंग टेबल पर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, आप अपने वैनिटी एरिया में इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो इट्स रियली वेरी गुड थिंग, और ये तीन के सेट में है, आई थिंक दो के सेट में है, नहीं ये मुझे आइडिया नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट मुझे 400 to 500 का पड़ा है और लिटरली मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ अपने किचन में, मुझे बहुत प्यारा लगा है। इसके तीन बॉक्स ये हैं, ये वुडन प्लस मेटल का कॉम्बिनेशन है, ब्लैक कलर का है, कलर ऑप्शन भी इससे सिंगल ही है। तो दिस वन इज़ आल्सो हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। ओके, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रेंड्स होने वाला है डेकोरेशन का, जो कि मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ अपने किचन में ही, और मुझे इसे मंगाने का बहुत मन था, बहुत टाइम से मैं बहुत साइट्स पे इसको ढूंढती थी और इस रेंज में मुझे सिर्फ मीशो पर मिला है। मैं इसको प्राइस की वजह से ही कभी भी परचेज़ नहीं करती थी क्योंकि इसके प्राइस बहुत हाई होते थे और प्रोडक्ट इतना, मतलब हाई प्राइस वाला नहीं है बट है बहुत क्यूट सा।
तो चलिए मैं दिखाती हूँ पहला प्रोडक्ट। टन टन ये है, ये मैंने अमेजॉन फ्लिपकार्ट हर जगह देखा और बार बार मैं अपने विश लिस्ट में इसको इंक्लूड करती थी, बार बार मैं इसको हटा देती थी और इसको मैंने फाइनली मीशो से परचेज़ कर लिया। सी व्हाट अ पीस, आप इसको कहीं भी ना ऐसा बैठा देते हो, ये बहुत क्यूट लगता है। लिटरली कोई शेल्फ हो, कोई टेबल हो, है ना, कोई बुक आपने कहीं अरेंज करके रखा हो वहाँ पे आप इसको बैठा देते हो। और ये सिंगल नहीं है गाइस, ये है फोर का सेट, सेट ऑफ फोर है। इसमें दो बड़े हैं और दो छोटे बेबी आइकॉन्स हैं और ये मुझे अप्रॉक्स 400 to 500 मिल गया है, 500 के अंदर ही है। और ये मुझे अभी तक फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन वगैरह पे 700, 1200 ऐसे इसका प्राइसिंग होता था, जो मुझे लिटरली बहुत हाई लगता था। बट हाँ, अप टू 400 अगर सेट ऑफ फोर मिल रहा है तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया। इसमें सेट ऑफ टू का भी ऑप्शन है, आप वो भी देख सकते हो। तो और अलग अलग इसमें पैटर्न है, लाइक ये जिस तरीके से है ना बेबी गर्ल एंड बेबी बॉय का, तो उसमें अलग अलग पैटर्न भी आपको मिलेगा। ये कुछ इस तरीके से, मैं साइड में इमेज दिखा दूँगी इनको अरेंज करके। तो ये पीस मैंने ख़रीदा है, ये रेजिन का बना होता है। ये था होम डेकोर का पीस, मेरा बेस्ट प्रोडक्ट है ये एंड इसके पहले वाला। और फ्रेंड्स, आपको कौन सा अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, वो भी होम डेकोर का ही है, मैंने उसको इसमें इंक्लूड कर लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको एक्चुअली मैंने अपने टेंपल में सजा रखा था क्योंकि थोड़ा टाइम लग गया। ये मैंने लिया है मेटल का हाथी, आप देख सकते हो सिल्वर मेटल में है ये, जिसे हम बोलते हैं ना जंग ज्वेलरी वाला मेटल, उस मेटल में है, आप देख सकते हो। इस पर अच्छा खासा काम किया हुआ है और ये हाथी, मतलब आप इसको कहीं भी डिकोर कर सकते हो, अपने लिविंग एरिया में, अपने मंदिर में, कहीं पर भी आप इसे डिकोर कर सकते हो। सेट ऑफ टू है, इस तरीके से हैवी है। इसको मैंने एक्चुअली लिया है, मेरे पास एक गणेश जी हैं जो कि वो भी सिल्वर पैटर्न में ही हैं, उनके साथ मैंने इनको लिविंग रूम में डेकोर करने के लिए फॉर दिवाली पर्पज़ मैंने लिया है। सो गाइस, ये हैं गणेश जी। अभी तक मैंने इनका ये प्लास्टिक का कवर एज इट इज़ रखा बिकॉज मैंने इनके लिए एक थीम सोच रखा था। तो इसी से देखिए बिल्कुल भी मैचिंग है, बिल्कुल मैचिंग है। इसको मैंने इसीलिए मंगाया है क्योंकि मैं इसको दिवाली में किस तरीके से डेकोरेट करने वाली हूँ ये सोचकर। तो ये पीस भी मुझे अप्रॉक्स 400 to 500 में मिल गया है और लिटरली बहुत ही एलिगेंट पीस है, बहुत ही ऑथेंटिक पीस है। आप इसको घर में, अगर आपको मेटल की चीज़ों को डेकोर करने का मन होता है, लाइक ब्रास का, आपने मेरा ब्रास वाला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइस जस्ट गो एंड चेक इट आउट कि मैंने उसमें कितने प्यारे प्यारे प्रोडक्ट कितने रीज़नेबल रेट पे मंगाए हैं, आप ट्रस्ट नहीं करोगे गाइस। अभी मैं नवरात्रि के शॉपिंग के लिए गई थी लोकल मार्केट में, सेम कैंडल मैंने उसमें पूछा, सॉरी दिया मैंने वहाँ पर पूछा, उसका प्राइस वो बहुत हाई बता रहे थे, मीशो पर मुझे वो इतना सस्ता मिला था। सो आई वॉज अमेज कि यार मीशो पर है, लिटरली बाय करने के लिए है चीज़ें। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस ये कुछ इस तरीके के पैक में मुझे मिला था। ये नेक्स्ट प्रोडक्ट भी किचन से ही रिलेटेड है, ये मैंने मंगाया है किचन के लिए कारपेट, जो कि जब मेकओवर मैं करूँगी तो आप वहाँ पर देखोगे ये कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, ये पीछे से इस तरीके से नॉन स्किड वाला पैटर्न है, ये रबर का है काफ़ी अच्छा सा, फ्रंट पे इस तरीके से शाइनी मटेरियल है और इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से है, ये आप देख सकते हैं गाइस, ये देखिए ये करके है, ये है पूरा इसका पैटर्न, इस पर ये प्रिंटेड है और मैं इमेज साइड में डाल दूँगी। और इसके साथ ये छोटा वाला ये पैटर्न है, लाइक इस पर मेंशन है वेलकम टू माय किचन, ओके, इस पर लिखा हुआ वेलकम टू माय किचन और ये प्रिंटेड है इस पर स्पैचुला बेलन एंड ऑल दैट स्टफ ओवर इट। एंड ये ब्लैक कलर का है बिकॉज मेरा किचन का जो पूरा वुडन वर्क है वो बहुत लाइट है, सो मैंने इसका कारपेट ब्लैक कलर का ऑप्ट किया है। ये था मेरा लास्ट प्रोडक्ट किचन से रिलेटेड गाइस। आपको इसमें से कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आपने मेरा वीडियो देखा तो एटलीस्ट आपको उसमें से कोई चीज़ तो पसंद आई है। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में,
मेरे चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में, सो दैट कि वो भी इनमें से कोई भी चीज़ को मंगाने में, एक्चुअली होता क्या है, हम प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, प्रॉपर हमें नाम नहीं पता होता और हम उसे सर्च नहीं कर पाते हैं, पर जब हम इस तरीके के वीडियोज़ देखते हैं ना, तो वहाँ से हमें आइडिया मिलता है या हमें डायरेक्ट लिंक मिल जाता है या कोड मिल जाता है, तो हम उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मेरे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में, अपने सिस्टर में, अपने सिस्टर इन लॉ को, सो दैट कि वो भी अपने किचन के लिए, अपने घर के लिए इस तरीके की चीज़ें मंगा सके। तो चलिए मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।